My grandmother, like everybody's grandmother, is an old woman. She had been old and looked that old for almost 20 years that I had known her. 20 साल से जो मैं उनको जानता था वो वैसे ही दिखती थी सतत रूप से. People said that she had once been very young and pretty. किसी समय वह बहुत यंग थी, जवान दिखती थी और सुंदर दिखती थी, ऐसा लोगों का कहना था. She also had a husband and children too. That is something I can't believe. उनके हस्बैंड भी थे और उनके बच्चे भी थे, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता. कारण क्या कि जो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट, माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट वॉज विच वॉज केप्ट ऑन ए मेंटल पीस, ये क्या होता है जिसमें आग जलाते हैं घर के अंदर ठंड से बचने के लिए, वो आग जलाने का जो चौखट होता है उसके ऊपर जो फोटो रखी थी वे मेरे ग्रैंडफादर की थी. एंड दैट पीस इन द ड्राइंग रूम हैड माय ग्रैंडफादर वेयरिंग ए बिग टर्बन अराउंड, हैड अ वेरी फ्लावरी बियर्ड लॉन्ग विच कवर्ड द होल ऑफ चेस्ट. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. Us photo mein ve lagbhag 100 varsh ke vriddh dikh rahe the. Turban pehna hua tha unhe aur uske sath hi he did not look the sort of person who would have a wife. Yani wife ko dekh kar aisa nahi lagta tha ki unke husband ya bacche rahe honge. और यहाँ इस पिक्चर को देखकर, इस पोर्ट्रेट को देखकर जो मेटल पीस के ऊपर रखा था उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि इनकी पत्नी रही होंगी और हु वुड हैव ए वाइफ और बच्चे रहे होंगे. ही लुक एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मानो उनके बहुत सारे बच्चे थे, एक कुनबा था बच्चों का. एंड एज फॉर माई ग्रैंड मदर शी वॉज प्रेटी एंड शी वॉज यंग. तो लेखक का कहना है, लेखक से मेरा अर्थ है ग्रैंड मदर के ग्रैंड चाइल्ड का कहना है कि जो अपनी माँ के बारे में और दादी के बारे में जो वर्णन कर रहा है उसका कहना है कि कुछ भी बोलो, मेरी माँ यंग थी, सुंदर थी और अच्छी दिखती थी. शी वॉज यंग एंड प्रेटी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. देखिए, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. रिवोल्ट करना मतलब विरोध करना. सो द ग्रैंड सन सेज कि ये जो सोचना कि मेरी माँ सुंदर रही होगी, जवान रही होगी, कैसी सुंदर दिखती होगी, ये मेरे गले नहीं उतर रहा था. बड़ा अजीब लग रहा था, एक रिवोल्टिंग लग रहा था, एक विरोधाभास लग रहा था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द टाइम्स व्हेन शी यूज्ड टू प्ले गेम्स एज अ चाइल्ड. वो उस समय की बात करती थी जब हमारे साथ वो खेल कूद करती थी. और ये भी क्वाइट एब्सर्ड, एक अजूबा, एक अजीब सा लगता था कि मेरी माँ खेलती थी, और अनडिग्निफाइड भी लगता था, थोड़ा सा असभ्यता भी लगती थी ऑन हर पार्ट दैट वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस. प्रॉफिट का अर्थ क्या है? प्रॉफिट यानि मुस्लिम समाज के जो मुखिया, पैगंबर. प्रॉफिट यानि पैगंबर. तो ग्रैंड चाइल्ड का कहना है कि ये सब बातों से ऐसा लगता था कि माँ मानो हमें प्रॉफिट की कहानियाँ सुना रही हैं. सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मदर, हाउ शी लुक्ड एंड हाउ द ग्रैंड सन फेल्ट लाइक अबाउट हिज ग्रैंड मदर. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट and sad and slightly bent. Bent means drooping shoulder, thodi jhuki hui thi. Her face was a criss cross of wrinkles. Wrinkles means jhurriyan. Criss cross means
जैसे हाथ में आपकी जो लकीरें रहती हैं क्रिस क्रॉस रहती हैं, कोई दिशा नहीं होती, उसी प्रकार माँ के चेहरे की जो झुर्रियाँ थी वे भी क्रिस क्रॉस थी और उसमें पूरे रिंकल्स लगे हुए थे। ये रिंकल्स जो थे एक चेहरे के एक भाग से चेहरे के दूसरे भाग तक थे, और साथ ही नो वी वेर सर्टन दैट शी ऑलवेज वी हैड समवन गुड। तो ये तय था कि एक वृद्ध महिला थी, जैसा हमने उन्हें जाना है वो वैसी ही रही होंगी, जैसा हमने जाना है से अर्थ एज वी हैड नोन हर। 20 साल से मैं जैसा देख रहा था मैं अपनी दादी को मानता था कि पहले भी वैसी दिखती रही हूँ, क्योंकि 20 साल से तो वो वैसी दिख रही थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बुरी तरह वो वृद्ध दिखती थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि मैं नहीं मानता कि उससे भी ज़्यादा वृद्ध हो सकती थी। और जैसा मैंने कहा कि मेरी ग्रैंड मदर 20 साल से तो वैसे ही दिखती थी, शी स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। ग्रैंडसन का कहना है कि मेरी माँ कभी सुंदर नहीं रही होगी, या मेरी माँ कभी सुंदर तो रही होगी लेकिन मेरी माँ कभी प्रेटी नहीं रही होगी, प्यारी नहीं रही होगी, लवेबल नहीं रही होगी। शी माइट हैव बीन ब्यूटिफुल, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन ए स्पॉटलेस साड़ी, एक सफ़ेद शुभ्र साड़ी पहन के वो हमेशा अपने घर में यहाँ वहाँ चलती रहती थी, घूमती रहती थी, और उनके एक हाथ में रोजरी की माला रहती थी जिसे हम कहते हैं ना मनका। शी वॉज स्पॉटलेस साड़ी विथ वन हैंड ऑन रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर पे उनका हाथ रहता था, और टू बैलेंस, और उसका कारण क्या था, कमर पे हाथ रखे वो अपने को बैलेंस करती थी क्योंकि झुकी रहती थी, और झुकने से जो बैलेंस गड़बड़ाए ना, इसलिए एक हाथ में, एक हाथ को कमर पे और दूसरी हाथ में मन का, टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी मतलब मनके की माला, जो अपन हिंदू धर्म में जो जाप करते हैं माला का जाप, वही जाप करने की माला को लेके वो घूमती रहती थी सफ़ेद साड़ी में घर में यहाँ वहाँ। और साथ ही उनके जो बाल थे सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स मतलब बाल, सिल्वर क्यों, क्योंकि वो ग्रे हो चुके थे। ग्रे का अर्थ अंग्रेजी में ग्रे का अर्थ होता है सफ़ेद बाल, वृद्धावस्था के बाल, उसे कहते हैं ग्रे हेयर। एंड इट वॉज ऑल स्कैटर्ड, पूरे फैले हुए बाल थे, कोई व्यवस्थित तरीके से उसमें कंघी नहीं रहती थी, और एक अव्यवस्थित तरीके से अनटाइडली तरीके से अपने जो झुर्रीदार चेहरे में, मुरझाए हुए चेहरे में, पेल एंड पकर्ड फेस, पकर्ड फेस का अर्थ होता है अंदर धंसा हुआ चेहरा, पकर्ड जिसमें आपके गाल अंदर धंस जाते हैं। तो इट्स अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओल्ड वूमन, सिल्वर ग्रे हेयर, सिल्वर हेयर स्कैटर्ड ऑल ओवर, फेस इज पेल, उतरा हुआ उदास, पकर्ड फेस दैट मीन्स अंदर उसका धंसा हुआ चेहरा, और उसके साथ ही साथ उसका जो होंठ था, लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग सेइंग समथिंग विच इज़ इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब जिसे सुना ना जा सके, जो सुनाई ना दे सके। वो कुछ 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 बड़बड़ाती थी, और बड़बड़ाती क्या होंगी, वो माला को जपते हुए कुछ कुछ बोलती रहती थी, तो इट वॉज इनऑडिबल। यस शी वॉज ब्यूटिफुल। ग्रैंडसन फिर कहता है कि ये सब विवरण तो मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ अपनी दादी के बारे में, लेकिन फिर भी कहना होगा कि सुंदर तो थी वो। She was like the winter landscape. ठंड की जो छटा होती है पहाड़ों में, जिसमें सब कुछ सफ़ेद दिखाई देता है, ऐसी मेरी माँ दिखती थी, क्योंकि सफ़ेद साड़ी पहनी रहती थी, बिल्कुल स्पॉटलेस साड़ी, स्पॉटलेस मतलब बिना दाग धब्बे की साड़ी। An expanse of pure white serenity. Please see the word, it is not expense.
एक्सपेंस माने खर्चा, ई एक्स पी ई एन एस ई, यहाँ है इसका स्पेलिंग एक्सपांस, ई एक्स पी ए एन एस ई, एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, शांति, सफ़ेद, उसका जो होराइजन था, उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो बड़ा सफ़ेद शांत एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और उनका जो भाव भंगिमा थी उसमें शांति दिखती थी और संतोष दिखता था, कंटेंटमेंट माने संतोष, पीस यानी शांति, और उसके साथ ब्रीदिंग पीस विथ कंटेंट मीन्स माँ का जो पूरा चेहरा था बड़ा गरिमामय हुआ करता था उस सफ़ेद साड़ी में जब वो घर में हॉबल करती थी, यहाँ वहाँ चलती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मैंने जो आपको पूरा विवरण दिया है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, तो ये भी मेरे लिए बताना ज़रूरी होगा कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर बड़े अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पिताजी ने मुझे अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में छोड़ दिया। कब? जब वे लोग शहर गए काम धंधे के ज़रूरत में, और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, और वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, उसके बाद से हम लोग लगातार साथ साथ रह रहे, वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो हमें सुबह उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। अब देखिए, नाउ इन दिस पैराग्राफ आफ्टर नैरेटिंग अबाउट हाउ माई ग्रैंड मदर लुक्ड, द ग्रैंड सन सेज ही कम्स टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्टेज इज वॉट? वेन द ग्रैंड सन इज लिविंग विद ग्रैंड मदर एंड पेरेंट्स अवे टू सिटी, ये दूसरे स्टेज की बात कर रहा है जब ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर अकेले गाँव में रह रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स शहर चले गए हैं। और वहाँ वो कहता है कि दैट वॉज द टाइम वेन माई पेरेंट्स लेफ्ट एंड शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, वहाँ भेजती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस वे, मोनोटनस मतलब एक रूपता हो, नीरसता रहती है, कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं रहता, तो वो अपनी प्रेयर बोलती रहती थी इन ए वेरी मोनोटनस वे, और साथ ही मुझे तैयार करती थी। उसके बाद जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, शी होप्ड आई वुड लिसन एंड गेट टू नो दोज प्रेयर्स बाय हार्ट। ग्रैंडसन सेज दैट माय मदर वुड ड्रेस मी अप, गिव मी बाथ एंड देन ड्रेस मी अप, एंड व्हाइल डूइंग सो शी विल अगेन स्टार्ट दोज प्रेयर्स इन अ वेरी लो वॉइस, थिंकिंग दैट प्रॉब्ली आई वुड बी लिसनिंग टू दोज पोएम्स। ग्रैंड मदर शायद इस उम्मीद में वो प्रेयर पढ़ती थी कि बच्चा तैयार होते होते मेरी इस प्रेयर को सुनेगा, एंड लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट का अर्थ होता है याद करना, कंठस्थ करना, मुखाग्र करना, नो इट बाय हार्ट। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था इसलिए क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी पसंद थी। आई लव्ड हर वॉइस, मुझे आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन हाँ नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसे याद करने की, कंठस्थ करने की कोशिश नहीं किया। मैं केवल सुनता था उनकी आवाज़ जो बड़ी मुझे अच्छी लगती थी, मेरे अपने ग्रैंड मदर की आवाज़ थी तो अच्छी लगती थी, मेरी अपनी ग्रैंड मदर थी इसलिए सुंदर तो लगती ही थी, मेरी अपनी ग्रैंड मदर थी इसलिए उनकी स्पॉटलेस साड़ी और उनका घूमना मुझे एक एक्सपांस ऑफ माउंटेन, वाइट माउंटेन लगता था। आफ्टर गेटिंग मी रेडी शी वुड फेच माई वुड एंड स्लेट, टू फेच मीन्स वॉट? एफ ई टी सी एच, टू फेच मीन्स टू गो एंड ब्रिंग। शी वुड गो समवेयर वेयर स्लेट वुड बी लाइंग एंड शी वुड ब्रिंग इट बैक। वेन शी वुड ब्रिंग इट बैक शी वुड, आई वुड सी दैट शी हैज ऑलरेडी वॉश्ड इट एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक।
पुराने समय में स्लेट में पढ़ाई होती थी और स्लेट की सफाई करना बड़ा ज़रूरी होता था और एक ज़रूरी काम रहता था। तो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो स्लेट को साफ करती थी, लाने के पहले मैं येलो चौक से उसको घिसती थी और इस प्रकार मेरा स्लेट साफ हो जाता था। अलॉन्ग विद द स्लेट शी वुड ऑल्सो ब्रिंग एन अर्दर्न इंक पॉट। अर्दर्न मीन्स मिट्टी का बना हुआ, फ्रॉम द वर्ड अर्थ। अर्थ से बनी हुई जो इंक पॉट थी, स्याही की दवात और ए रेड पेन, ऑल ऑफ देम इन ए बंडल एंड हैंड इट ओवर टू मी। इन अदर वर्ड्स, माय मदर वुड वेक मी अप, गिव मी बाथ, गेट मी रेडी। आफ्टर गेटिंग मी रेडी शी वुड ब्रिंग माय क्लीन स्लेट विच हैज ऑलरेडी बीन क्लीन्ड एंड अप्लाइड येलो चॉक ऑन इट, along with earthen ink pot and also a red ink pen, and then she would put them in a bundle, she would tie them up and give it to me. Fetch word jo shuru mein aaya hai isko yaad rakhenge, ye do verb ko ek hi shabd mein cover kar leta hai, go and bring. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. ye ek rhyme aapne suna hoga जो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। सो फेच मीन्स गो एंड ब्रिंग। सो माई मदर वुड फेच दैट थिंग। आफ्टर दैट आई वुड बी सर्व ए ब्रेकफास्ट। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद बटर एंड सम शुगर स्प्रेड ओवर इट। उसके बाद मुझे माँ ब्रेकफास्ट में बैठाती थी। उस और ब्रेकफास्ट में मुझे क्या मिलता था, एक मोटी रोटी, चपाती यानी रोटी, मोटी रोटी जो स्टेल थोड़ा बासी होती थी, पहले दिन की शायद बनी रहती थी। STALE स्टेल माने बासी, पहले दिन की बनी हुई रोटी, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा देंगी और शक्कर थोड़ा सा फैला देती थी और उसे रोल करके फिर वो मुझे देती थी। एंड देयर आफ्टर वी वेंट टू स्कूल। She would take me to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अपने साथ वो कुछ और चपाती भी ले चलती थी, मुझे जो खिलाती थी उसी में से, उसी तरह की कुछ अन्य चपातियाँ जो पहली रात की होंगी वो बच जाती थी, उसको भी ले कर चलती थी। क्यों? For the village dogs, गाँव के कुत्तों को खिलाने के लिए। My grandmother always went to school with me. Now this is stage two of the story. पहले स्टेज में उसने विवरण दिया है माँ ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी, उसका भाव भंगिमा कैसी थी। दूसरे स्टेज में उसने बताया है कि पिताजी परिवार के साथ चले गए शहर और मैं दादी के साथ रहा, उस समय का रूटीन क्या था, इसका वर्णन है। अब हम तीसरे स्टेज पे आते हैं। माय ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ एक मंदिर लगा हुआ था। इसका मतलब वो मेरे साथ इसलिए नहीं जाती थी कि मुझे सुरक्षित छोड़ना हो या कुछ हो, इसलिए विशेष रूप से जाती थी कि एक मंदिर लगा हुआ था और वो बड़ी धार्मिक महिला थी। इट मीन्स इट शी वॉज अ वेरी रिलीजियस वूमन। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। उस मंदिर में जो पुजारी था, प्रीस्ट यानी पुजारी, ही टॉट अस अल्फाबेट, वो हमें अक्षर ज्ञान कराता था, हिंदी के अक्षर ज्ञान से हमें परिचित कराता था और उसके साथ ही साथ प्रेयर भी सिखाता था। और जो हम लोग जब बैठ के ये सब करते थे, एक पंक्तिबद्ध, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रो ऑन आइदर साइड, सी द वर्ड आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा, सिंगिंग द अल्फाबेट एंड द प्रेयर इन कोरस। They were sitting on either side. Either side मतलब दोनों तरफ। They were sitting, we used to sit on either side
ऑफ वेरेंडा, वेरेंडा के दोनों तरफ हम बैठते थे और क्या करते थे, अल्फ़ाबेट को ज़ोर ज़ोर से गाते थे, अक्षरों को ज़ोर ज़ोर से गाते थे और साथ ही साथ प्रेयर भी करते थे और कोरस में करते थे। कोरस मतलब CHORUS, कोरस मतलब एक साथ ग्रुप में, एक एक करके नहीं। इन ए प्रेयर वी यूज टू सिंग द प्रेयर इन ए कोरस। और जब हम ऐसा करते थे, व्हेन वी यूज टू सिंग प्रेयर्स एंड अल्फाबेट्स, माय मदर वुड बी रीडिंग स्क्रिप्चर्स इनसाइड द टेंपल। स्क्रिप्चर्स मींस धार्मिक पुस्तकें, SCRIPTURE। स्क्रिप्चर माने धार्मिक पुस्तकें। जब हम ऐसा करते थे तो हमारी माँ धार्मिक पुस्तक पढ़ती रहती थी मंदिर के अंदर। इसका अर्थ ये कि मेरी माँ जो हैं, मुझे छोड़कर अपना जो उनका काम था धार्मिक क्रिया करना, वो वहाँ पूरा करती थी। When we had both finished, we would walk back together। और जब हम दोनों का कार्य ख़त्म हो जाता था, माँ का अध्ययन ख़त्म हो जाता था, हम लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, या हम लोगों का गायन ख़त्म हो जाता था, बिकॉज वी वुड सिंग, सिंग वॉट, सिंग अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल्सो द प्रेयर। तो जब ये समाप्त हो जाता था, व्हेन वी वुड फिनिश, वी वुड कम बैक टुगेदर, हम दोनों फिर वापस आते थे घर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स मीट अस एट द टेम्पल डोर। ऐसे समय में जब हम लोग अपनी पूजा पाठ करके उतरते थे, वापस घर की ओर चलते थे, तो जो गांव के कुत्ते थे वो हमें दरवाजे पे मिल जाते थे। और दरवाजे पे फिर क्या होता था, हमारी दादी माँ उन कुत्तों को चपाती देती थी जो लेके अपने साथ चली थी। पहली रात की जो स्टेल चपाती, स्टेल यानी बासी, पुराना, इट इज़ ए स्टेल स्टोरी, अरे दिस न्यूज़ इज स्टेल, ये जो खबर है ये पुरानी है। तो स्टेल मीन्स ओल्ड, पुराना, बासी। सो माई मदर वुड गो ऑन, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर एंड दे वुड फॉलो अस टू अवर होम। हमारे घर तक जाते थे वो कुत्ते, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग। ग्राउल करना मतलब कुत्तों का गुर्राना, उसे क्या कहते हैं, ग्राउलिंग। कुत्तों के गुर्राने को ग्राउलिंग कहते हैं। तो ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, और एक दूसरे से झगड़ते थे। किस लिए ग्राउल करते थे, किस लिए फाइट करते थे, रोटी के लिए, चपाती के लिए, जिसे माँ, दादी माँ फेंकती थी। दे वुड ग्राउल एंड फाइट विद ईच अदर फॉर चपातीज वी थ्रू एट देम। जब हम पर फेंकते थे तो उस चपाती को पाने के लिए उनके बीच में झगड़ा होता था, और ऐसा करते करते, झगड़ा करते, ग्राउल करते, खाते, वो लोग हमारे घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे माँ बाप comfortably शहर में बस गए, to settle means बस जाना, I have settled down well in my life, मैं अपने जीवन में अच्छी तरह बस गया हूँ। So when my parents settled down in the city properly, उन्होंने हमें खबर भिजवाई, to send for मतलब खबर भिजवाना, आने के लिए कहना, टू सेंड फॉर। याद रखेंगे टू सेंड मतलब देना, लेकिन सेंड फॉर जो है, दो शब्दों से जो मिला हुआ फ्रेज है, इसका अर्थ होता है बुलवाना। सो यू सेंड फॉर मी मतलब तुमने मुझे बुलवाया। तो यहाँ पर दे सेंट फॉर अस, हु सेंट फॉर अस, दे मीन्स द पेरेंट्स हु वेर वेल सेटल डाउन इन द सिटी, नाउ दे सेंट फॉर अस एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। टर्निंग पॉइंट का अर्थ क्या है, ऐसा क्षण जब सब कुछ बदल जाए, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्षण जब सब कुछ बदल जाए, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, ऐसा बिंदु, ऐसा क्षण, ऐसा काल, ऐसा घटना, ऐसा मौका जो आमूलचूल परिवर्तन ले आए। So the grandchild says that when he was called along with his grandmother to the city, it was a turning point in our friendship. Kis mamle mein turning point bana?
हमारी मित्रता के मामले में, हमारी मित्रता मतलब किनके बीच की, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन की दादी माँ के साथ जो मित्रता थी, जो बचपन से बढ़ रही थी, पनप रही थी, वह मित्रता में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया। आगे जरा देखें क्या हुआ। Although we shared the same room, although means यद्यपि हम लोगों ने एक ही कमरे में रहना शुरू किया शहर में जब हम आए। द हाउस वेयर वी लिव्ड, इन दैट हाउस माई फादर गेव मी एंड माई दादी माई ग्रैंड मदर द सेम रूम, सो वी शेयर द सेम रूम। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। एक परिवर्तन मैंने देखा और ये टर्निंग पॉइंट की शुरुआत। क्या परिवर्तन? यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे शहर में आने के बाद भी, लेकिन अब मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी।